सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है 18 मई और आज है मंडे। तो आप लोगों ने देखा है ना, जस्ट मैं अभी हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल किस लिए गई थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्चुअली मेरी काफी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं मेडिसिन ले रही थी। तो मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है। तो मैंने ब्लड टेस्ट कराने के लिए मैं अभी हॉस्पिटल गई थी। आप लोग देख ही चुके होंगे, सुबह से खाली पेट थी। जस्ट अभी 10:30 बजे मैं हॉस्पिटल गई थी और अभी 11:30 हो रही है। मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ, नहा धो चुकी हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं नहाई थी। वो इस वजह से नहीं नहाई थी क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना कितना ज्यादा फैल रहा है हमारे यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा कोरोना फैल चुका है, इसीलिए हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो कहीं पे अगर हमें बैठना पड़ जाता है, अगर टाइम ज्यादा होता है बैठना पड़ जाता है, या फिर हम किसी से टच हो जाते हैं, उसके बाद हमें नहाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो सुबह क्या नहाना। तो वहां से आने के बाद मैं अभी नहा चुकी हूँ। अभी जस्ट मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आप लोगों ने देखा ही होगा क्या बनाया था। आज हमने प्लेन रोटी और छोले बनाए हुए थे, जो कि मैंने अभी जस्ट खाया, आप लोगों को मैं दिखाई चुकी हूँ। और कुछ नहीं, बस काफी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, उसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं तभी थोड़ा ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं अपना ब्लड टेस्ट कराने गई थी। देखती हूँ, रिपोर्ट तो आज नहीं आएगी, रिपोर्ट कल आएगी, तो कल जाके देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। बाकी मैं काफी दिनों से अपना ब्लॉग बना ही नहीं रही थी, उसका कारण ये भी है कि बाहर आना जाना हो नहीं रहा है, कोरोना की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ डेली 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 क्या दिखाऊं, वही खाना पीना बनाओ, वही होता है डेली का। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। मैंने सोचा तब तक मैं अपना मेकअप लुक, DIY लुक, ऐसे डिफरेंट चीजें आपको दिखाऊं, बट ब्लॉग ना बनाऊं, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। लेकिन मैंने सोचा चलो काफी दिन हो गया तो आज अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो अभी मैं थोड़ा अपनी वीडियो एडिटिंग करूंगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:30, यानी कि 12 बजने वाले हैं। तो मैं अभी अपना वीडियो अभी एडिटिंग करूंगी, मुझे एक वीडियो एडिटिंग करनी है, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को क्या दिखाऊंगी। कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट देखती हूँ क्या क्या दिखाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो गाइज, जिस दिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उस दिन मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई और ना ही इस ब्लॉग का मैंने एंड किया। वो इसी वजह से कि थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी और
थोड़ा मेरा फ़ोन ख़राब भी हो गया था, तो इस वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आज बताऊंगी। वो रेसिपी मैंने तो नहीं बनाई है, मेरी दी ने बनाई है। वो रेसिपी है गुलाब जामुन की रेसिपी। हाँ जी, कैसे आप लोग घर पर आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। सो मेरी दी के बेबी का बर्थडे था अभी कुछ दिन पहले, 25 मई को, तो उसने घर पर ही बनाया था। क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो गुलाब जामुन बनाने जा रही है, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेना, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर लूँगी। और आप लोग गाइस मुझे ये मत कहना कि दी की बनाई हुई वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी गुलाब जामुन बनाए थे यहाँ घर पे, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं, बट मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। और मेरे गुलाब जामुन जो बने हुए थे वो उतने अच्छे भी नहीं बने हुए थे, क्योंकि मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। बट जैसे दी ने बनाए हैं सेम मैंने ऐसे ही बनाए थे। इसलिए ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे आप लोग गुलाब जामुन बना सकते हैं घर पे। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए देखते हैं कैसे आप लोग गुलाब जामुन बना सकते हैं। 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी डाल के फिर चाशनी तैयार करनी है। इसमें मैंने 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी डाला हुआ है। पतली चाशनी चाहिए हमें उसके लिए, इसलिए हम इसको अभी बिल्कुल पतली चाशनी रखनी है। इसको उबालना है थोड़ा सा और जब तक इसमें अच्छे ढंग से झाग न बन पाए और थोड़ा चिकनी हो जाए। इसके बाद इसमें चाशनी में इलायची पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल के इसको मिलाना है और चाशनी को पूरी तरह से घुलना है। इसके बाद हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। अभी इसको लो फ्लेम पे पकानी है चाशनी को। अब देखो चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसमें अच्छे ढंग से पूरे बबल्स बन रहे हैं। और इसको हम अगर टच करेंगे तो इसमें हल्की सी बिल्कुल चिकना सा हो गया, और यही हमें चाहिए। हल्की सी बिल्कुल हल्की सी तार बन रही है इसमें, और हमें बिल्कुल पतली चाशनी चाहिए गुलाब जामुन के लिए। अब ये चाशनी तैयार हो गई, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, कढ़ाई के चारों तरफ घी लगा के अच्छे ढंग से इसको कोट करेंगे। और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे 1/2 किलो। अब मैंने इसमें 1/2 किलो से कम डाला है, क्योंकि मुझे कम ही बनाना है। तो मैंने इसमें 1.5 ग्लास लगभग दूध डाला हुआ है, और इस दूध में जब तक एक उबाल अच्छी तरफ से ना आ जाए तब तक हम इस दूध को हिलाते रहेंगे। और घी इसलिए डाला क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी बनाएं तो वो चिपके ना, इसलिए हमने पहले घी लगाया फिर इस पर दूध डाला हुआ है। दूध में एक अच्छा सा उबाल आने दो, उसके बाद ही हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सूजी ऐड करेंगे। अब दूध उबल चुका है, इसलिए अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालो, और अब हमने सूजी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसमें घुमाते रहना है। घुमाना इस कदर है कि इसमें थोड़ी सी भी बबल ना बने, इसे थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालते जाओ। देखो मैंने सूजी का आटा बिल्कुल भी इसमें एक भी वो नहीं है, बबल्स नहीं बने पड़े। अब इसको अच्छे ढंग से मिलाना है कि ये थोड़ा सा भी आटे जैसा हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी ये गर्म है, अभी इसको ऐसे ही रखना है थोड़ा हल्की फ्लेम पे आने तक। तब तक हम इसके लिए एक वो बना देते हैं जिसमें हम इसको बनाएंगे। अभी सूजी ऐसे ही एक प्लेट में रखते हैं। प्लेट में मैंने घी लगा दिया है, इसके चारों ओर घी रखा हुआ है, इसके चारों ओर हम घी लगाएंगे पहले। उसके बाद वो आटा जो हमने रखा है उसके ऊपर रख दे, जिससे वो आटा चिपके ना किसी पे भी, अच्छे ढंग से डो बन पाए। अब हमने सूजी को एक प्लेट में रख दिया। अब हल्का टेम्परेचर हो जाए, जब हम छू लें इसको, इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाना है कि जो बिल्कुल ही चिकना बन जाए, आटा की तरह बिल्कुल मसलना है, ये डो जो होता है मावा की तरफ लग जाए। इसलिए इसको अच्छे ढंग से पहले मसलना है इस घी को, जो सॉफ्ट डो बन जाए हमारा। अब जो ये डो बनाया हुआ है हमने, अब इसको थोड़ा सा एक डोंगे के या आपके जो भी बर्तन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ढक के रखा करो, 10 या 15 मिनट ढक दो, उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। ये सूजी का जो डो बनाया था
उसको ढक के जो रखा था वो निकाल के अब गुलाब जामुन बनाने तैयारी करेंगे। अब डो देखो बिल्कुल सॉफ्ट सा हुआ है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई टाइप की बनाएंगे और उसके बाद उसको हल्के हल्के फ्राई करें। जब आप लोई बनाओगे तो उसको अच्छे ढंग से बनाना है और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब बिल्कुल ऐसे डो बीच अपने अपने हाथों के बीच में बिल्कुल आराम से डो बनाना है, जिससे कि देखो ऐसा डो इसमें बिल्कुल भी एक भी जो होता है आपका दरार ना आए, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाएं। इससे आपके जो गुलाब जामुन है वो फटेंगे भी नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अब हमने अपने छोटे छोटे से गुलाब जामुन बना दी सूजी के। अब हम इसको तेल गरम करा हुआ है तेल में डालेंगे आराम आराम से। तेल को हम मीडियम आंच पे रखेंगे और उसके बाद हम आराम आराम से इसमें एक एक करके लोई छोड़ेंगे और ज़्यादा नहीं डालना है, बस जितना आपके दूर दूर चले, चार या पांच, एक बार में चार या पांच इस हिसाब से आपका बनाए, क्योंकि ये फटेंगे ज़्यादा आपको डालना है। चम्मच की हेल्प से इसको पलटना है। बिल्कुल हल्का हल्का सुनहरे हो रखे हैं अभी अभी, इससे और रेड कलर चलाना है, थोड़ा सा रेड आ जाए जब कलर, और मीडियम आंच होनी चाहिए और ज़्यादा तेल गरम, जब ज़्यादा गरम तेल में भी नहीं चाहिए, मीडियम आंच होनी चाहिए और बिल्कुल भी सॉफ्ट बन जाते हैं। इसको आराम आराम से चम्मच की हेल्प से ही करना है और ज़्यादा एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, हल्के हल्के ही डालना है, जिससे पूरा तेल अच्छे ढंग से गुलाब जामुन पे लगे और चिपके ना आपस में, नहीं तो ये फटने का डर होता है इनको। अब इनका कलर थोड़ा सा लाइट, अभी लाइट ब्राउन है, थोड़ा डार्क ब्राउन होने दो। उसके बाद ये हम इसको चाशनी में डालेंगे और हमारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। और हल्का सा अभी डार्क कलर आने दें, अभी थोड़ा लाइट कलर है, अब मीडियम आंच पे ही पकने दो इसको। जो अब ये सूजी के जो हमने गुलाब जामुन बनाए हुए हैं, अब इसको चाशनी के ऊपर रख दें, सारे जो हमारे आ रहे हैं गुलाब जामुन उनको जो बना लेंगे हम, उसके बाद इसको सारे चाशनी के अंदर आधे घंटे तक रख देंगे, थोड़ा सा गैस जला के उसको आधे घंटे तक रख देंगे और उसके बाद अभी ढक के रख जाएं। अभी हमारे और बन रहे हैं, इसको आराम से पलटना है तो चम्मच की हेल्प से या तो आप चार्जर की हेल्प से पलट लो। गुलाब जामुन कंप्लीट हो गए बनके और हम इसको एक डोंगे में निकाल लेते हैं।